Hello friends, welcome to Childhood Stories. I am your storyteller and today I have a famous childhood story for you. Jungle Race. बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में सभी जानवर मिलकर बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए। खुशी का माहौल था, सभी हंसते गाते एक दूसरे से हालचाल पूछ रहे थे। तभी वहां एक खरगोश आया। सभी जानवरों ने खरगोश का स्वागत किया। भालू बोला, आओ मित्र आओ, देर कर दी आने में, सब कुशल मंगल। तब खरगोश ने घमंड से कहा, मैं यहाँ जल्दी आकर अपना समय बेकार नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं जानबूझकर देर से आया। मेरे पास तुम लोगों से बातचीत करने के अलावा भी काफी जरूरी काम है। क्या आप लोग जानते हो, मैं इस जंगल में किसी भी जानवर को दौड़ में हरा सकता हूँ। कोई भी मुझे दौड़ में हरा नहीं सकता। है किसी में दम जो मेरे साथ दौड़ की प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर दिखाए? बोलो बोलो, करोगे मेरे साथ प्रतियोगिता? इस पर बाकी जानवर भी आपस में बात करने लगे। हाथी बोला, हाँ मैंने खरगोश को दौड़ते देखा है। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि खरगोश जंगल में किसी को भी आराम से दौड़ की प्रतियोगिता में हरा सकता है। इस बात पर हिरन भी बोली, हाँ हम सभी जानते हैं खरगोश काफी तेज दौड़ सकते हैं। मैं तो इनके साथ दौड़ की प्रतियोगिता कर ही नहीं सकती। तभी भालू बोला, हाँ ये बात तो सच है, लेकिन अपनी इन खूबियों का कुछ ज्यादा ही घमंड करते रहते हैं आजकल ये खरगोश बाबू। जब देखो अपनी ही तारीफ करता रहता है। काश किसी में खरगोश को हराने की हिम्मत होती। अचानक जानवरों की भीड़ में से एक कछुआ हंसने लगा। कछुए को हंसता देख खरगोश बोला, तुम क्यों हंस रहे हो? क्या तुम समझते हो कि तुम मुझे दौड़ की प्रतियोगिता में हरा सकते हो? मुझसे तेज कोई भी इस जंगल में दौड़ नहीं सकता, तुम ये बात जानते नहीं क्या? इसका जवाब देते हुए कछुआ बोला, मैं आपसे असमर्थ नहीं हूँ खरगोश जी, पर मैं इस बात से भी इनकार नहीं कर सकता कि मुझे कोई डर नहीं आपके साथ दौड़ की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने में। तब खरगोश हंसते हुए बोला, ओ सच में तुम मेरे साथ प्रतियोगिता करना चाहते हो? ठीक है फिर देखते हैं कौन दौड़ की प्रतियोगिता में जीतेगा। हारने के लिए तैयार हो जाओ। अगली सुबह उसी जगह पर सभी जानवर दौड़ की प्रतियोगिता देखने के लिए इकट्ठा हुए। सभी जानवरों को लग रहा था कि प्रतियोगिता तो खरगोश ही जीतेगा। दौड़ की प्रतियोगिता शुरू होते ही खरगोश इतनी तेजी से भागा कि कुछ ही मिनटों में वो आंखों से ओझल हो गया, जबकि कछुआ इतनी धीरे धीरे दौड़ रहा था कि ऐसा लग रहा था मानो तो दौड़ नहीं चल रहा है। यह देखकर कुछ जानवर कछुए पर हंसने लगे और कुछ जानवरों को कछुए पर दया आने लगी। कुछ समय दौड़ने के बाद अचानक खरगोश रुककर पीछे देखता है। उसको कछुआ काफी मीलों दूर धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई देता है। यह देखकर खरगोश सोचता है कि कछुए को तो यहाँ तक आने में काफी समय लग जाएगा, क्यों ना मैं थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लूं। इस दौरान कछुआ धीरे धीरे बिना रुके चलते चलते सोते हुए खरगोश के सामने से गुजर जाता है। अचानक खरगोश की नींद जानवरों के शोर से खुलती है। उसने देखा कछुआ प्रतियोगिता जीतने ही वाला था। सभी जानवर कछुए को प्रोत्साहित कर रहे थे। खरगोश यह देखकर
दौड़ की अंतिम रेखा तक पहुंचने के लिए काफी तेजी से दौड़ लगाता है, लेकिन कछुआ तब तक दौड़ की प्रतियोगिता जीत चुका था और खरगोश को हार के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। उसका घमंड वहीं चूर चूर हो जाता है। इस कहानी में खरगोश को अपने आप पर इतना ज्यादा आत्मविश्वास था कि वो उसका घमंड बन गया, जिस वजह से वो कछुए को कमजोर समझकर अपनी ही बेवकूफी के कारण दौड़ की प्रतियोगिता में हार गया। सो चिल्ड्रन, द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज ओनली अ पर्सन हु थिंक कामली एंड इज नॉट ओवर कॉन्फिडेंट ऑफ हिमसेल्फ विन द रेस इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ। अर्थात सिर्फ वो ही व्यक्ति जीवन की सभी प्रतियोगिता में जीत सकता है जो धैर्य और शांति से विचार करता है और अपने पर घमंड नहीं करता। आई होप यू enjoy दिस स्टोरी। थैंक यू फॉर giving योर valuable टाइम। आई विल बी बैक soon with न्यू इंटरेस्टिंग moral स्टोरीज फॉर cute kids एंड their caring parents. If you like our drawings and narration, please like and share this video. To motivate us, do subscribe to my channel and hit the bell icon to get the latest update of new videos.